डायरेक्टर अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बन रही सलमान खान की नई फिल्म भारत कुछ समय पहले तक साल 2019 की ईद पर अकेले ही रिलीज होने जा रही थी, लेकिन अब उन्हें देश के बाहर से एक कड़ी टक्कर मिलने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि ईद के मौके पर भाईजान के साथ भिड़ने की सोचने वाला कलाकार कौन है, तो बता दें कि वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान है। असल में पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान साल 2019 की ईद पर अपनी नई फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट लेकर आ रहे हैं। सलमान खान की भारत की तरह ये भी एक बिग बजट फिल्म होगी, जिसका इंतजार पाकिस्तानी ऑडियंस बड़ी बेसब्री से कर रही है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि एक पाकिस्तानी फिल्म से सलमान खान की भारत को क्या खतरा है, तो बता दें कि भाईजान की फिल्में पाकिस्तान में खूब देखी जाती हैं। ऐसे में अगर ईद जैसे मौके पर पाकिस्तान खुद अपनी एक बिग बजट फिल्म रिलीज करेगा, तो सलमान खान की फिल्म को नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ वर्ल्ड वाइड मार्केट में भी सलमान खान को फवाद खान से टक्कर लेनी पड़ेगी, खास करके मिडल ईस्ट में, जहां फवाद खान के लाखों चाहने वाले रहते हैं। जब सलमान खान की बजरंगी भाईजान रिलीज हुई थी, उस समय भी पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर माहिरा खान की फिल्म आई थी, लेकिन भाईजान की फिल्म ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया था और जबरदस्त कमाई की थी। और अब देखना ये होगा कि साल 2019 की ईद पर सलमान खान फिर से वही इतिहास दोहरा पाएंगे या नहीं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।